नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डायरेक्टर जयपुर दुबेन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके साथ में हूँ। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हमारे बताया था कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कम्प्लीटली दो लाइनें उसमें आ रही हैं तो आपकी प्रेगनेंसी है। बट अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट इस तरीके का आ रहा है, यानी कि एक लाइन बिल्कुल डार्क आ रही है और नीचे वाली लाइन, दूसरी लाइन बहुत हल्की हल्की गुलाबी आ रही है, यानी कि एक लाइन डार्क है, एक लाइन हल्की है, और सोनोग्राफी अगर आपने करवाई और बच्चा बच्चेदानी में नहीं मिल रहा है और फिर भी प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, देन वॉट टू डू। ये तो बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन हो गई है कि अब क्या किया जाए कि प्रेगनेंसी टेस्ट कम्प्लीटली पॉजिटिव भी नहीं है, कम्प्लीटली नेगेटिव भी नहीं है, तो वॉट टू डू, दिस वॉट इज दिस सिचुएशन। दिस सिचुएशन मे बी ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में हमने आपसे पहले चर्चा की थी, लेकिन आज डिटेल वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये क्यों हो जाती है, क्या इसका मैनेजमेंट है और कैसे इसका पता लगाया जा सकता है। जब बच्चा बच्चेदानी में ना हो के, यानी कि नॉर्मल यूट्राइन कैविटी में ना हो के, इस यूट्राइन कैविटी के बाहर अगर होता है, दैट मीन्स कि ट्यूब में, ओवरी में, आंतों में या सर्विक्स के अंदर, तो इसे बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक का मीनिंग कि नॉर्मल जगह पे नहीं होना। अब अपने को जब पता चला कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट सही तरीके से पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो उसके कंफर्म करने का तरीका होता है कि बीटा एचसीजी का टेस्ट होता है कि जो ब्लड के अंदर किया जाता है, ब्लड के अंदर ये टेस्ट भेजा जाता है। बीटा एचसीजी का वैल्यू अगर प्रेगनेंसी की रेंज में आ रहा है, यानी कि नॉर्मली तो इसका लेवल जीरो ही होता है या 2-3 मान सकते हैं, अगर इसके ऊपर आ रहा है 50, 60, 70, 100, 1000, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी है, लेकिन वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, बच्चेदानी के अंदर नहीं है। इसका पता करने के लिए अगर इसी टेस्ट को 48 घंटे के बाद हम जब दोबारा रिपीट कराते हैं, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये वैल्यू डबल हो जाती है, यानी कि अगर आज वैल्यू 100 है तो 48 घंटे के बाद ये वैल्यू 200 हो जाएगी। बट अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी है तो 200 नहीं होगी, या 150 होगी, 120 होगी, 130 होगी, बट 200 तक नहीं पहुंचेगी। दैट मीन्स कि डेढ़ गुना हो गई या कम हो गई, बट दो गुना नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि वो प्रेगनेंसी बढ़ रही है, लेकिन हेल्दी प्रेगनेंसी की तरह नहीं बढ़ रही है। ये एक चिंता का विषय है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने इस पर टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो एक इमरजेंसी में आप लैंड अप कर सकते हैं और माँ की जान भी जा सकती है। बहुत सीरियस सिचुएशन है, वी कैन नॉट इग्नोर इट एट ऑल। तो अगर आपकी डायग्नोसिस में अगर कहीं भी डाउट आता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना होके बच्चेदानी के बाहर कहीं है, बीटा एचसीजी आपका लेवल डबल नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी टेस्ट जो आपने किट टेस्ट किया उसमें दोनों लाइनें गहरी लाल रंग की नहीं आ रही है, एक डार्क है और एक हल्की आ रही है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है या है। कन्फर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सोनोग्राफी से होता है। नॉर्मल सोनोग्राफी जो पेट से की जाती है उसमें कई बार नहीं पता चल पाता, तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जो वजाइना के थ्रू होती है उसे काफ़ी हद तक 100% डायग्नोसिस बन जाता है कि यूट्रस में बच्चा कहाँ है, बच्चेदानी के बाहर कहाँ लगा है, ट्यूब में है, ओवरी में है, बच्चेदानी के बाहर है, सर्विक्स में है। तो सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनोग्राफी से उसके लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, उसका सैक का साइज, यानी कि जो उसका जेस्टेशनल सैक, जो बच्चे की थैली बनती है, उसका साइज का पता लगाया जाता है। बच्चे की गांठ उसमें, फीटल नोड उसमें बनी है या नहीं बनी है ये पता लग जाता है। धड़कन आई है या नहीं आई है ये भी पता चल जाता है, क्योंकि आगे का सारा मैनेजमेंट सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका जी सैक का साइज क्या है, उसमें फीटल हार्ट बच्चे का धड़कन आया है या नहीं आया है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें सोनोग्राफी से कंफर्म होती है। बीटा एचसीजी कराने के करा लिया आपने, सोनोग्राफी आपने करा ली, ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन भी हमें चाहिए होता है ताकि कन्फर्मेशन अपने को पता लगा सके कहीं ब्लड की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। जब हमें ये कन्फर्म हो गया कि यूट्रस में नहीं है आपका बच्चा, बच्चेदानी के बाहर कहीं है और लोकेशन हमने पता कर ली है कि कहाँ पर है, तो उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हाँ, ये प्रेगनेंसी बाहर कैसे लग गई, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा बच्चेदानी में ना लग के बाहर लग गया। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हो जाता है ऐसा। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, अभी हम उनके बारे में समझेंगे।
ट्यूब की पहले कोई अगर इन्फेक्शन हुआ है, ट्यूब में इन्फेक्शन होने की वजह से ट्यूब अंदर से चिपक जाती है, उसमें से रेशे बन जाते हैं, धागे से चिपक जाते हैं, जिनको एडिजन बोलते हैं। इन एडिजन के बीच में स्पर्म तो जिगजैग करके निकल गया, लेकिन अंडे का साइज बड़ा होने के कारण वो फंस गया। फिर जब बच्चा बना, जो ट्यूब एंड ट्यूब के अंदर जब स्पर्म और अंडे के बनने के कारण से जो एम्ब्रायो बना, उसका साइज भी बड़ा होता है, तो आगे नहीं पहुंच पाता है, और कई बार इधर की तरफ ना पहुंच के वो पीछे की तरफ निकल जाता है, स्फिम्ब्रेल एंड से नीचे आ गया, तो ये बन के ओवरी पर या नीचे इंटेस्टाइन या एब्डोमिन के अंदर पहुंच जाता है। दूसरा कारण, किसी इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब के जो सिकुड़ने फैलने की क्षमता होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, जिससे कि ओवम का और एम्ब्रायो का मूवमेंट नहीं हो पाता, वो भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी का कारण बन जाता है। ओवरी की कोई सर्जरी हुई है, ट्यूब ओवरी के ऊपर चिपक गई है और बच्चा वहीं बन के और वहीं पे इम्प्लांट हो गया ओवरी के ऊपर, वो भी एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का कारण है। इसके अलावा ट्यूब की कोई सर्जरी हुई है जिससे कि ट्यूब की ल्यूमेन खुल तो गई है, जैसे पहले नसबंदी होने के बाद कई बार आपने सुना होगा कि ऑपरेशन खुलवाने जा रहे हैं, और ऑपरेशन खुलता भी है, बच्चा लगता भी है, प्रेगनेंसी भी होती है, दोबारा से परिवार में खुशियाँ भी आती है, बट कई बार प्रेगनेंसी लगी लेकिन बच्चा बच्चेदानी में ना पहुंचकर ट्यूब में ही लग गया और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बन गई, दैन सिचुएशन लिटिल बिट ड्रास्टिक। एंड हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी एक्टॉपिक है, इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। कारणों की बात कर रहे हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है ट्यूब में, उसकी मोटिलिटी, उसकी इलास्टिसिटी कम हो सकती है, ये तो सब कारण है ट्यूब और ओवरी में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के। लेकिन अगर आपने पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है और बच्चेदानी पर स्कार मार्क है, यानी कि स्कार बना हुआ है, और वो स्कार पूरा अंदर से अच्छे से हील नहीं हुआ, और इस तरीके का कोई अंदर खड्डा बना हुआ है, निश बन गया है, निश के अंदर भी प्रेगनेंसी, जो एम्ब्रायो है, जो बच्चा बना, वो उसमें जाकर भी फिट हो सकता है और वहाँ पर भी प्रेगनेंसी ग्रो कर जाती है, लेकिन वहाँ दीवार का मोटाई बहुत कम होने के कारण स्कार प्रेगनेंसी बनती है, और उसको स्कार एक्टॉपिक बोलते हैं, क्योंकि जैसे इसमें बच्चा बढ़ेगा ऊपर से टांके गिव वे कर जाएंगे, बच्चेदानी फट सकती है, बहुत टोरेंशियल हेमरेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो सकती है। बच्चा बच्चेदानी में लगा लेकिन नीचे स्लिप ऑफ करके सर्विक्स में पहुंच गया, बच्चेदानी के मुंह पे पहुंच गया, वहीं पे इम्प्लांट हो गया, सर्वाइकल प्रेगनेंसी बन गई है। सर्वाइकल प्रेगनेंसी भी एक बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इसमें जब ब्लीडिंग होने लगती है तो कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह है वहाँ ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा होती है और ब्लीडिंग बहुत टोरेंशियल होती है, ब्लीडिंग रोकना बहुत मुश्किल होता है। कई बार बड़ी नस बांधनी, यूट्राइन आर्टरी या फिर इंटरनल आइलेट का लाइगेशन करना पड़ जाता है, या कई बार बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में बच्चेदानी निकालने की भी नौबत आ जाती है। तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी प्रेगनेंसी का लोकेशन पता रखना कि कहाँ पे बच्चा लगा है, बच्चेदानी में ही है, बच्चा बच्चेदानी के बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जान का नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कारण आपने समझ लिए हैं, जांच कैसे होगी ये आपने समझ लिया है कि प्रेगनेंसी का जब हम सोनोग्राफी कराते हैं तो 99% प्रेगनेंसी का लोकेशन कन्फर्म हो जाता है, पेट वाली सोनोग्राफी से अच्छे से नहीं पता चल पाता, तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हम लोग पता कर पाते हैं कि बच्चे का लोकेशन क्या है। जब सोनोग्राफी करते हैं तो हमें बच्चे का साइज पता चलता है, जो बच्चे की थैली बनती है उसका साइज पता चलता है, उसमें बच्चे की गांठ बनी है, उसमें धड़कन आई है या नहीं आई है, और उसका लोकेशन पता चल जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों से आगे का मैनेजमेंट डिसाइड होता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट है मेडिकल और सर्जिकल दोनों हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट का मीनिंग है इंजेक्शन से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट होना, सर्जिकल का मीनिंग है सर्जरी करके, यानी कि पेट खोलकर या पेट के अंदर जाकर सर्जरी करना। अब जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो किसको दे सकते हैं, अगर बच्चे जाने का जो थैली का साइज है, जो जी सैक जेस्टेशनल सैक जो बना है 4 सेंटीमीटर से कम है, बीटा एसीजी का लेवल बहुत थोड़ा कम है, बच्चे की धड़कन अभी नहीं आई है, ट्यूब फटी नहीं है, या फिर ऐसी लोकेशन जैसे ओवरी पे है लेकिन अभी कुछ इमरजेंसी नहीं आई है, तो हम एक बार मीथोट्रेक्सेट का एक इंजेक्शन होता है, एक दवाई होती है जिसके इंजेक्शन का एक सिंगल डोज लगता है,
और फिर उसके बाद में बीटा एससीजी के लेवल्स हम लोग फॉलो करते जाते हैं। अगर ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन ट्रेंड में आ रहा है और अल्टीमेटली जीरो हो जाता है, दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी बॉडी में होती है तो बीटा एससीजी का लेवल नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ट्रीटमेंट किस वे में जा रहा है, सही है हो रहा है या गलत तो नहीं हो रहा, कहीं प्रेगनेंसी बढ़ तो नहीं रही है। तो इंजेक्शन से भी एक ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब बहुत शुरुआती अवस्था में हमें पता चल जाए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और अभी साइज बहुत कम है, बढ़ा नहीं है, धड़कन अभी आई नहीं है, लोकेशन में अभी बच्चेदानी ट्यूब फटी नहीं है या कोई स्कार प्रेगनेंसी तो वो नहीं फटी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर जा सकते हैं। बट कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, साइज बहुत बड़ा हो गया, धड़कन आ चुकी है, ट्यूब फट गई है या स्कार प्रेगनेंसी है, तो डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर सर्जरी। और सर्जरी जो है पेट खोलकर भी होती है, जिसे लेप्रोटॉमी बोलते हैं, और या लेप्रोस्कोपिक भी होती है, लेकिन आज के ज़माने में लेप्रोस्कोपिक बहुत अच्छी होती है, बिना पेट खोले, बिना पेट चीरे, बिना किसी दर्द और परेशानी के पेट में दूरबीन डाल के एक छेद के द्वारा लेजर से ऑपरेशन होकर जो ब्लड वेसल जो फटी है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसको सील कर दिया जाता है। और अगर ट्यूब फट गई है तो उस ट्यूब को निकालना पड़ता है, अगर ट्यूब फटी नहीं है तो उस पर थोड़ा सा एक इंसिजन लगा के, चीरा लगा कर जो बच्चा है अंदर, जो एम्ब्रायो है, उसको सक्शन से बाहर निकाल लिया जाता है और उसके किनारों को वापस रिपेयर कर दिया जाता है, ट्यूब बचाई जा सकती है। लेकिन ट्यूब बचाते हैं तो दोबारा एक्टोपिक होने का रिस्क हो सकता है, क्योंकि वो ट्यूब में बीमारी खराबी होने के कारण ही बच्चा ट्यूब में लगा था। तो ये आपका खुद का एक डिसीजन होता है कि आपको ट्यूब बचानी है नहीं बचानी। आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट है, डॉक्टर आपको आपके हित में बहुत अच्छी और आप ही के हित के लिए बहुत बढ़िया सलाह देगा। हमेशा अपने डॉक्टर पर विश्वास कीजिए और उनकी बात मानिए। शुरुआती अवस्था में बीमारी का पता लगने के बाद बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, बिना किसी डिले के, बिना किसी इमरजेंसी में लैंड अप किए, और दूरबीन से ऑपरेशन बहुत अच्छा, बहुत बिना किसी ब्लड लॉस के पॉसिबल है, आराम से होता है, पेट खुलवाने की अब ज़रूरत नहीं है। मेडिकल साइंस ने बहुत विकास कर लिया है, तो एक सिंपल सी सोनोग्राफी बीटा एससीजी का टेस्ट आपको बहुत बड़ी इमरजेंसी से बचा सकता है। ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, सर्जिकल भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है। शुरुआती अवस्था में सिर्फ एक इंजेक्शन से आप अपनी जान बचा सकते हैं, बाद में एक छोटे से दूरबीन की सर्जरी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो कीप अपडेटेड योर सेल्फ, कीप मोटिवेटेड, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का, अपने मित्रजनों का, सबका ध्यान रखिए, सबको वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबकी नॉलेज अपडेटेड रहे, क्योंकि जान है तो जहान है और बिना ज्ञान के अंधकार है। हमारे वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए जयपुर दूरबीन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।